हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारे अपने चैनल में आप सभी का दोस्तों फिर से स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों यहाँ पर मैं बना रही हूँ सब्जी। तो शाम का टाइम है, जहाँ से ब्लॉग एंड हुआ था वहीं से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, और आलू टमाटर की सब्ज़ी अच्छी लगती है। वैसे तो लौकी भी रखी थी, बट थोड़ी रसेदार लौकी नहीं पसंद है मुझे, बहुत ही अच्छी नहीं। मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ, लेकिन पति जी को अगर सब्ज़ी ना अच्छी बने तो फिर वो खाना ही नहीं खाते। कहते तो कुछ नहीं है, लेकिन खाना कम खाते हैं, तो फिर उनकी मतलब इस वजह से मुझे ध्यान से खाना बनाना पड़ता है। और अच्छा खाना सोच मन में यही सोचते हैं कि अच्छा ही बने। तो जब खाना वो खाते नहीं है तो बुरा भी लगता है। और यहाँ पर जब तक हमारे आलू और मसाला बहुत ही अच्छे से फ्राई हो रहा है, क्योंकि मैं सब्ज़ी को अच्छे से भूनती हूँ उसके बाद ही पानी डालती हूँ, तो यहाँ पर तब तक मैंने सोचा चावल भी साफ़ कर लेते हैं। बट चावल में कुछ नहीं है, एकदम चावल साफ़ है, फिर भी देख लेती हूँ। और चावल मैंने साफ़ कर लिए हैं और अच्छे से इधर मैंने सब्ज़ी में पानी डाल दिया है। तो सब्जी चावल इधर हमारे बन चुके हैं। और आप सभी को मैंने सुबह घुइयां की सब्ज़ी दिखाई थी, तो फिर थोड़ी सी रखी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना घुइयां को कुछ अलग तरीके से बनाते हैं। तो वही घुइयां हमारी है, तो आज मैं बनाऊंगी घुइयां की एक नई रेसिपी। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनी थी और बहुत ही अच्छी लगी थी सभी को। तो पति जी हमारे बहुत ज़्यादा घुइयां ही नहीं पसंद करते हैं, बहुत कम खाते हैं, वैसे उनको घुइयां की सब्ज़ी नहीं पसंद है, रसेदार तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। यहाँ पर हमने एक टमाटर और एक प्याज, दो हरी मिर्च को कट कर लिया है, बहुत ज़्यादा ना छोटा किया है ना ही बड़ा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने अच्छे से कट कर ली हैं धुल के, और ये मैं इसी में ऐड करूँगी घुइयां जो रखी हैं उनको, मैं उनका मैं भरता बना रही हूँ। तो यहाँ पर घुइयां को मैश कर लिया है, उबली हुई घुइयां पूरी पराठे के साथ, चावल के साथ मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो यहाँ पर घुइयां को मैश कर लिया है अच्छे से, और थोड़ा सा फ़ोन हीट होने लगा था इसीलिए फिर लाइट बंद हो गई थी। तो यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें ऐड करूँगी, और थोड़ा सा मैंने आमचूर पाउडर का पेस्ट जो कि हमारे पास मतलब उसको घोल लिया है, और यहाँ पर डाल रही हूँ प्याज टमाटर हरी मिर्च को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो पहले तो मैंने सारा जो सब्जी कट की थी वो डाल दी, फिर मुझे याद आ गया थोड़ा सा ऊपर से डाल दूँगी, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर निकाल लिया था और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर अभी कुछ चीज़ें और ऐड करूँगी, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनी थी ये। तो यहाँ पर मैं आमचूर पाउडर, जो कि मतलब आमचूर पाउडर नहीं था भाई, खटाई जो थी उसका मैंने घोल बना लिया था, क्योंकि ये खटाई बहुत ज़्यादा खट्टी होती है, तो एकदम चटपटी सी ये हमारी रेसिपी तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च और खटाई डाल दी है चटपटी, और अभी इससे और चटपटा करेंगे, तो इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी है। तो यहाँ पर जो मैंने प्याज टमाटर को थोड़ा सा रखा था वो भी डाल दिया है। उसके बाद मेरे पास खीरा रखा था आधा, तो खीरा को कट कर लिया है छोटा छोटा, तो खीरा भी डाल दिया है। तो इससे मतलब जो भी धनिया मिल जाता तो और भी टेस्टी लगती। इसके बाद मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि नमक पहले भी सब्ज़ी में पड़ा हुआ था, तो इसीलिए बस थोड़ा ही डाल रही हूँ सलाद के हिसाब से। और इसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च डाल रही हूँ ऊपर से। तो ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही अच्छी लगी थी खाने में, जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। तो ये हो गया घुइया का भरता है, और बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो इसमें हरी सब्जियां कच्ची मिल चुकी हैं, तो ज़्यादा अच्छा लगता है, प्याज वगैरह वैसे भी अच्छा लगता है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा शाम को क्यों ना इसे एक अलग मतलब रेसिपी तैयार करते हैं वही सब्जी की। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये भरता बनके तैयार हो चुका है, आप चाहें तो इसे चाट भी बोल सकते हैं, बट चाट नहीं, मुझे घुइयां का भरता ही बनाना है, और मैंने इसको भरता ही दिया है नाम। यहाँ पर मैंने आप सभी को डायरेक्ट मतलब बोल रही थी, बट थोड़ी सी
हमारी बेटी ने फोन चला दिया था, इसीलिए फिर मुझे आवाज़ को म्यूट करना पड़ा। दोस्तों एक चम्मच खा के देखती हूँ, आप सभी को बता रहे हैं खाने से पहले ही मुंह में पानी आ रहा है। बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करके देखना, मज़ा आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर किचन को साफ़ कर रही हूँ और मैंने यहाँ थोड़ा सा किचन में खा लिया है। वैसे मैं किचन में कोई भी चीज़ नहीं खाती हूँ, बट यहाँ पर ना तो नमकीन खाती हूँ, पराठा वगैरह कुछ ही नहीं खाती हूँ। तो ये सब्ज़ी की भरता था तो मैंने चेक करके देख लिया, जिससे कि कोई अन्य वाली चीज़ चावल पूड़ी पराठा नमकीन ये कुछ नहीं मैं किचन में खाती हूँ, किचन के बाहर ही खाती हूँ। वैसे तो मुझे ये भी खाना नहीं अच्छा लगता, बट मैंने थोड़ा सा वीडियो के चक्कर में यहाँ पर आप सभी को चेक करके दिखा दिया है। उसके लिए मुझे बुरा भी लगा खुद पर, क्योंकि मैं किचन में ज़्यादातर अपनी बेटी को भी नहीं खाने देती हूँ, वो तो अभी छोटी है, तो उसको भी बाहर ही खिलाती हूँ, मना कर देती हूँ, क्योंकि पूरा किचन ही जूठा हो जाता है। कहते हैं ना कि गाय को मैं रोटी देती हूँ पहली रोटी, तो फिर इसीलिए, और गाँव में सब देवता होते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा विचार करती हूँ। और बच्ची तो कभी कभार ऐसे खा के अंदर आ जाती है, बट खुद को बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। और यहाँ पर किचन को साफ़ कर लेती हूँ, रात का टाइम है तो जैसे मैंने सुबह किया था वैसे ही शाम को कर लेती हूँ। मेरी आदत सी हो गई है कि थोड़ा सा जो दीवार पर ये स्टिकर लगे हैं बाल स्टिकर, तो इनको अच्छे से पोंछ देती हूँ, क्योंकि तेल की छींटे वगैरह गिर जाती हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कैसा लगा? आई होप हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय बाय।